बीबी बादशाह भाई 50 करोड़, हेड 60, अरे हेड सीधा 100 करोड़ मारूंगा फर्स्ट डे पे। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं सर, वही टाइम आपको अब दिखाना है। हाँ। सलार की अगर बात करूं, पहला टिकट द वन एंड ओनली ग्रेट एसएस राजामौली सर ने खरीदा था। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, दोनों बड़ी फिल्में टंकी और सलार की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ये हमारे साथ में हमारे मुंबई के 3 इडियट्स गोलू, विघ्नेश, समृद्धा, स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर, थैंक यू। जान के लेंगे हम इस एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट विद आर 3 इडियट्स ऑफ मुंबई। शुरुआत करेंगे फर्स्ट वे मुंबई गोलू सर जी। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये बोलना चाहूंगा, दूसरी की तीसरी बार हो रहा है, क्योंकि पठान के टाइम से एसआरके यूनिवर्स जो फैन क्लब है और जो बाकी के भी फैंस हैं वो अलग अलग जगह पे बड़े बड़े शोज रख रहे हैं। पहला ही शो जो एक स्टार्टिंग के पहले वाला शो होता है, जो एक फैन शो होता है, और ये ऐसा हो रहा है कि इसका नाम जर्नी से रिलेटेड है, एसआरके के 5:55 पर, और उनका ब्रांड भी रह चुका है, बहुत लोगों को मालूम है ये बात। हाँ, सिगरेट का। तो जो ऐसा पार्ट, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, सलमान भाई की भी मूवी आई थी Tiger 3, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन उसको नहीं मिला शो करके, फिर से शाहरुख को मिला। बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, बहुत रिक्वेस्ट की थी सर, बहुत रिक्वेस्ट की थी हमारे रिव्यू के थ्रू, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, आई डोंट नो, लेकिन सर भाई को लेकिन मानना पड़ेगा, फैंस भी 9 बजे लगाई, गैलेक्सी का इतिहास बदल दिया, जो 12:30 का शो लगता है, यस यस, फिर उसके बाद में वापस इतिहास रचा जवान, यस, उसके लिए भी पहला शो रख दिया था तो उन्होंने 6 बजे का, लेकिन अब की बार इन्होंने जर्नी रिलेटेड 5:55 रख दिया है, और उनकी अभी न्यू रॉल्स रॉयस आई थी जो व्हाइट कलर में है, वो सबको पता है, बहुत फेमस भी हुई वो गाड़ी इनके ही वजह से, उसका भी जो नंबर प्लेट है 5:55 है। तो सर मैं बोलना चाहूँगा, ये एक इन्होंने बोलते ना ट्रेंडिंग चीज ही कर दी, कि मतलब हमें अभी आना ही है, और सर डंकी कहीं ना कहीं एक स्टेप अहेड है सलार से, क्योंकि इसके बुकिंग ज़्यादा दिख रहे हैं। आई थिंक सो कितना दिखा था उनका, 50,000 बुक कर दीजिए, और वो माहौल तो मैं बोलना चाहूंगा फॉर गॉड से मिस मत करो, अगर ये मिस किया तो आपने कुछ नहीं देखा यार, सच बोल रहा हूँ। डंकी इज है, आने वाले हैं हमारे किंग, yes, खान, yes. बोल रहे हैं किंग खान हैट्रिक मारेंगे, किंग खान हैट्रिक मारेंगे। आता हूँ हमारे सेकंड के पास में, विघ्नेश भाई। यस सर। बड़ी लंबी फ्रेम में आते तो मैं बहुत खुश हूँ। लड़का अपना एक्चुअली थोड़े दिन से मैं थोड़ी बिजी था काम से, घर में शादी भी थी तो इसलिए, तो अभी एडवांस बुकिंग डंकी एंड सलार, ये बहुत बड़ी पिक्चर है जैसे सबको पता है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, एक में एक हमारे शाहरुख सर है और एक में प्रभास सर है, नॉट ओनली दैट बट इसमें जीनियस डायरेक्टर्स भी है, डंकी राजकुमार हिरानी सर एंड सलार द वन एंड ओनली ग्रेट प्रशांत नील सर। मतलब उनका कैसा है ना 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब उनकी पिक्चर लगती है ना, इनका ऐसा है ना, मतलब प्रोमो की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, फिर भी लोग पिक्चर देखने आ ही जाते हैं। मतलब ये लोग दोनों जो बनाएंगे ना, मतलब कि 100% कुछ देखने लायक ही बनाएंगे, इसीलिए तो बड़ी पिक्चर है एंड बड़ी ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी डंकी का जो रिपोर्ट्स आया है 50,000 ओनली इंडिया में ना, हिंदी सर्किट में, एंड आई थिंक सलार की भी अभी आ सकती है, क्योंकि आज ही बॉक्स उनकी बुकिंग्स शुरू हो गई है, सलार के प्रीमियर शोज होने वाले हैं, यस यस यस, इस वजह से हो सकता है कि फर्स्ट डे की थोड़ी से ज्यादा कलेक्शन हमको देखने मिले। यस, अभी शाहरुख सर उनके जो यूनिवर्स है एसआरके यूनिवर्स, हमने देखा था जवान में जब 6 बजे का शोज उन्होंने रखा था 7 सितंबर को, तो लोगों ने फैंस ने जो धूम मचाया, मतलब वो याद है मेरे को, दहीहांडी भी चल रहा था तभी, उनके फैंस लोगों ने मतलब कि कैसा ना दहीहांडी स्टाइल में ऊपर सलामी दी, या सलामी दी थी शाहरुख सर, मेरे को भी ऊपर चढ़ना, मेरे को भी ऊपर, फिर आपको समझाना पड़ा। वो लोग बोले कि विघ्नेश का वजन झेला नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे बदले गोलू होते तो क्या हालत होता, नहीं फिर तो दहीहांडी ही नहीं लगती, देखते रहो क्या करेगा, क्रिसमस है अभी, कौन से सेंटा क्लॉज को लेके आते हैं, यस 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 यस, सुबह 5:55, यस, एंड दूसरी तरफ, यस, बोले बोलिए आपको, नहीं सेंटा क्लॉज, मैं बोल रहा हूं, अच्छा ये तो, अच्छा ओके 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 ओके, तो एक तरफ डंकी तो है, एंड ऊपर से सलार की अगर बात करूं,
हमें ऐसी न्यूज आई थी कि पहला टिकट द वन एंड ओनली ग्रेट SS राजामौली सर ने खरीदा था, फर्स्ट टिकट वो हमको आई थी, तो दैट इज अ वेरी ग्रेट। यस 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 यस, तो बहुत दोनों पिक्चर से हम लोग को उम्मीद है। तो मैं तो यही चाहूंगा, कोई मुझे पूछे ना डंकी या सलार, मैं बोलूंगा दोनों, क्योंकि हम तो दोनों ही देखेंगे। यस दोनों देखेंगे। यस, और मैं यही चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर अच्छी चलनी चाहिए। यस, अपनी खुद की चाहत बताई है हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश ने कि दोनों पिक्चर अच्छी चलनी चाहिए। यस, आता हूँ अभी हमारे थर्ड इडियट समृद्ध के पास में। क्या है आपका रिएक्शन ऑन द एडवांस बुकिंग ऑफ टंकी एंड सलार डार्लिंग प्रभास? देखो थोड़ा मैं मीम ऐड करना चाहूंगा कि किंग खान के आगे कोई बोल सकता है क्या? किंग खान भाई, बादशाह भाई, बी बादशाह भाई, बस ये एडवांस बुकिंग पे बोलना मतलब बोलते ना कोई शब्द ही नहीं बचे, क्योंकि फर्स्ट डे में 50,000 के ऊपर टिकट सोल्ड, बाप रे, क्रेजी लेवल। राजकुमार हिरानी नहीं है। हाँ जी, एक्चुअली सर राजकुमार हिरानी कभी राजकुमार कभी हारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। राजकुमार न कभी हारेगा, न कभी रुकेगा, न कभी थकेगा। बॉक्स ऑफिस पे रुलाने आ रहे राजकुमार हिरानी और द किंग खान ऑफ बॉलीवुड। इतनी इमोशनल होने वाली है कि रुलाने वाले हैं। यस सर जी, फैंस उनके, एक अजीज फैन ने भी कहा ना, हमारे बादशाह के जो एकदम बड़े फैन थे, उन्होंने भी एक ने किसने बोलते ना एक्सक्लेमेशन मार्क देके बोला, अगर जा रहे हो पिक्चर देखने, रुमाल, हैंडकरचीफ और क्या टिश्यूज लेते हुए जाना, क्योंकि सर हाल बेहाल होने वाला है। सच्ची में राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, महेश भट्ट की नहीं। हां, दोनों की पिक्चरों में रुमाल और हैंडकरचीफ लेके जाना पड़ता है। हां जी सर, और एक्चुअली देखो मैं अभी ये 50,000 को नेशनल चेन में, 50,000 के ऊपर टिकट सोल्ड हो चुकी है आधे दिन में। हां भाई, पहली बात आधे दिन में, कल तो सिर्फ नॉर्मल लिमिटेड बुकिंग चालू की थी, आज पूरी हो गई है। गेटी गैलेक्सी दिखा है, 555 का AM का शो दिखा है यार। भाई सच्ची में बोलू ना, वो दौर वापस आएगा जो पब्लिक थिएटर के बुकिंग पे ना बुकिंग पे आके सो जाएगी। जवान के टाइम तो हम भी सोए थे, इस बार वापस सोना पड़ेगा। हाँ जी सर, मच्छर काटे वो बात अलग है, लेकिन ये ओडोमॉस लेते हैं ना। नहीं नहीं, और एक्चुअली एक चीज बताओ ना सर जी, वो अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक ऐसा माहौल अभी देखो, आगे चल के जो आने वाले सो कॉल्ड सुपरस्टार्स है उनके टाइम पे ये ऐसा माहौल कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मुश्किल है, बहुत बड़ी बात। और एक्चुअली और सच्ची में अब मतलब हम लोग नसीब मानते हैं, हमने कुछ अच्छे कर्म के इसलिए आज हम लोग ये दुनिया देख रहे हैं, क्योंकि कोविड में हम जाते ही थे कन्फर्म, लेकिन हम लोगों ने कुछ तो किया है, भला काम किया है। दिग्विजय ने, समृद्ध ने, गोलू ने, विघ्नेश ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बता नहीं सकते, वो बात अलग है। लेकिन यार बुकिंग फाड़ डाला भाई, और वन सेकंड में बोलना चाहूंगा, 50 करोड़ शाहरुख खान के लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं। 50 करोड़ अरे हैट सीधा 100 करोड़ मारूंगा फर्स्ट डे पे। ये है उनका एटीट्यूड। लेकिन बार 100 करोड़ वाले आदमी के साथ में टक्कर है, 100 करोड़ की बात करने वाला। अभी मैं सलार के बारे में बोलना चाहूंगा, सलार थोड़ी कम है, मैं सॉरी अपना आदि पुरुष भाई, सॉरी अपने प्रभास भाई को मैं बोलना चाहूंगा कि सच्ची में डार्लिंग प्रभास यार, भाई आओ यार थोड़ा रस्ते पे उतर आओ। अभी आदि पुरुष के श्री राम के आपने बोलते ना थोड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन आज श्री राम से माफी मांग के बोलो कि एटलीस्ट ये सलार हिट हो जाए, हिट नहीं सुपर हिट हो जाए, भले शाहरुख खान है लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो। तो प्लीज आप रस्ते पे उतरो, बोलो सबको कि आके हमारी फिल्म देखे, भले एडिटेड हो लेकिन आके देखो, क्योंकि मैंने मेरा पल्ला भारी है भाई, क्योंकि गेटी और गैलेक्सी में लगी है। रिक्वेस्ट यू डार्लिंग प्रभास को कि आओ, अब बहुत हो गया घर पे बैठ के। हाँ जी सर, श्री राम से माफी मांगो और उतरो प्रमोशन के लिए सर, पिक्चर चलनी है। सर एक मोटिवेशनली कुछ बोलना चाहूंगा, डार्लिंग के लिए दर्द होता है सर, डी फॉर डार्लिंग, डी फॉर डर और डी फॉर दर्द, और ये डी वर्ड जो है ना सर, SR के सर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बोलता हूँ ना सर, ओ याद है बाहुबली में एक डायलॉग था, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, सर वही टाइम आपको अब दिखाना है। हाँ, प्रभास डार्लिंग यानी मैं, ये वाला जो एक रुतबा था ना उनका बाहुबली के टाइम पे, मतलब देखो ना जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना SR के सर के साइड से ना, वो लोग भी एक ही चीज बोल रहे कि भाई ये आदमी से डर लगता है, साला फ्लॉप पिक्चर भी 100 करोड़ देता है पहले दिन पे। और वही ना यार, पहली बात है शाहरुख खान के फैंस को एक्चुअली मानना पड़ेगा। जो हमको देख रहे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो शाहरुख खान के फैंस है
भाई यार आपके सच में दम है यार, तोड़ नहीं आपका, तोड़ नहीं, क्योंकि देखो सलमान की फिल्म आई थी टाइगर 3 में, उसमें जलवा नहीं दिखा, लेकिन आप यार सुबह सुबह ऑडियंस को बोल रहे हो पिक्चर देखने, इसको बोलते हैं प्रमोशन, बोलते रहे और अब भी फुल करते फर्स्ट डे पे फुल हो गया, तो भाई आप किसी से कम नहीं, आप लॉयल फैंस हो, किसी को गाली गलौज नहीं करते, लेकिन आप प्यार से बुलाते हो, अपने फैन से, अपने स्टार से प्यार करते हो, वही खरा फैन है। शाउट आउट टू देम ऑल, शाउट आउट टू देम ऑल, कि हम आएंगे टाइगर 3 देखने और आए थे और एक्चुअली आए थे, और वही जो सलमान खान के जो फैंस है वो उतना नहीं चिल्ला रहे थे, शाहरुख खान के फैन चिल्ला रहे थे, भले ही शाहरुख खान के एंट्री पे नहीं, सलमान खान के एंट्री पे भी वो लोग चिल्ला रहे थे, भाई मैंने खुद देखा, और ये बात मानना पड़ेगा। अब आएंगे हम हमारे मुंबई के 3 डेज के पास ऑन द फाइनल डे, पिक्चर रिलीज होने से एक दिन पहले फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस जरूर 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 कलेक्शन जानने के लिए, एंड देखेंगे कि कितना बड़ा ओपनिंग इस बार हमारे शाहरुख खान और प्रभास, डार्लिंग प्रभास, कितनी बड़ी ओपनिंग लेती, बोलना चाहूंगा आप तीनों को on talking about the advance booking of Donkey and Salaar aur jo fan club Shahrukh ke fan yes, club yes. ke bare mein aapne baat, big shout out to them all, love you Shahrukh and love you SR ke fan, yes, meri taraf se.